अस्सलाम वालेकुम जी, मैं थोड़ा वीर अपना कमर जवेद पेट्रोलिंग पुलिस जिला मंडी बहाउद्दीन इस टाइम जनाब फालिया शाल मोड़ से नवा लोग चेक पोस्ट है। अज 29/8/2023 रात का टाइम है तकरीबन 1 बजे का। इस टाइम जनाब असी चेक पोस्ट के सामने जनाब वो सामने मेरी गड्डी वेख लो उत्थे खड़ी है जनाब। असी नाका लाया रोड के उत्ते साढ़े दोस्त भाई ने एस आई एस विच जनाब ये आए ने फालिए तो जाना है ना पिंडी पट्टियां जिला हफजाबाद चो ये रहायशी ने। इस टाइम ये आते पे असा नाके से रोकया चैकिंग वास्ते गड्डी चैकिंग करी है, चैकिंग की है जनाब। फिर इन्होंने असी इखलाक ना पेश आया, उन्होंने पानी पूछा जितने जोगिया सिस्टम इखलाक ना यानी पेश हुआ। साढ़े इखलाक की वजह तो वो इतने भाई साढ़े ने जो मुतासर हुए ने पुलिस का इतना रवैया अच्छा वेख के उन्हें स्पैशली तौर पर सन गड्डी उतर के उन्होंने कहा जी स्पैशली तौर पर एप्रीशिएट करते हैं, क्यों जो पुलिस तो आवाम साड़ी ने इतनी नफरत हो चुकी है, क्यों जो हर पुलिस वाला कहता यार ये वो या, अगर कोई साढ़े भाई इस तरह का लफज बोल दिया तो फिर आवाम ऑटोमैटिकली नफरत हो जाती है। तो असी उन्होंने भाई ने साढ़े असा बड़ा इखलाक नाल पेश आया तो वो मजीद सारे ना कोई गलबात करना चाहते हैं, आज असी जनाब उन्होंने मिलाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी भाईजान, सब तो पहले तुम अपना तारफ कराओ, कितों आए हो, किधर जा रहे हो, इस टाइम कितों आए? असी जी तहसील पिंडी बटियां जी जिला अफजाबाद जी जी तहसील पिंडी बटियां दे नाल ही साडा पिंड जी जी पिंड दा नाम लोधरे जी जी ते असी साडे को जवार भाई है जी जी उन्हां दे इत्थे ना ट्रैवल मतलब उन्हां इत्थे जाना सी मंडी बाबा दीन जी जी ईरान इराक वास्ते ज़ियारतां वास्ते असी उन्हां नूं छोड़न आए सारे पिंड दे जिन्ने लड़के ने जी जी ते असी वापसी तैयार हैं, रात दे हुण 1 बज गया जी जी जिमें आके ना रोकया एक बारी तुम जारी गल है पुलिस वाले ने वेख के बंदा परेशान हो ही जाता है बेशक सच्चा हो कूड़ा हाँ हो जी 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 ते असी आके रोकया परेशान होया ड्राइवर साहब उतरे इन्होंने गल की थी है जी जी लेकिन ना जिस टाइम तुसी ड्राइवर ने गल कर रहे हो ना जी जी ते दोड़े गल करन दे अंदाज नाल असी आख्या खैर मेरे कोई मसला नहीं पेश होना। सब तो पहले उन्होंने सलाम दिता सलाम दिता जी जी हालांकि सलाम सादा बंदा सी असी खलोते हां जी लेकिन उन्होंने भी तुसी पहल की थी है बड़ी खुशी हुई है मेहरबानी ते उस तो बाद तुसी साडे नाल आए हो मिले हो तुसी पुछया हां बच्चे हो कित्थू आ रहे हो किवें आ रहे हो सुनन दसया तुसी भी आके ठीक है कोई गल नहीं जी तुहाडी इतनी मुहब्बत सन मुतासर कीता असी लथिया यार असी मिलना चाहने जी जनाब असी फोटो शूट दा दाना आके गया असी फोटो बनानी है फिर असी ਉਹਨੇ ਗੂਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਛੱਡੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਖਲਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਹਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਜ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਆ ਸਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਭਾਈਰਾਂ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਭਾਈਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਲੀਏ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੋਇਆ ਹਸਨ ਨਵਾਂ ਲੋਕ ਸਿਆਲਮੋੜ ਰੋਡ ਤੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਭਾਈਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਕੱਲਫ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਇੱਕ ਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈਜਾਨ, ਭਾਈਜਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ। ਭਾਈਜਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਲੀਏ ਤੋਂ ਪਿੰਡੀ ਬੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੌਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਇਓ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਭਾਈਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਖਿਚਵਾ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਂਜੀ 15-16 ਲੜਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਣ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਜਾਂ ਵੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਡੱਕਣਗੇ, ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਤਕਲੀਫ ਦੇਣਗੇ।
मैं उन्हें अगे स्पेशली रिक्वेस्ट करना कि हर पुलिस वाला एक जहा नहीं हों सर आई एप्रीशिएट यू थैंक यू आई लाइक यू वेरी मच थैंक यू क्योंकि आपका जो लहजा था ना हमारे साथ बहुत ही अच्छा था हमारा दिल किया है आपके साथ यकीनन आप बात माने कि आपके साथ रूह खुश हुआ है हमारे अंदर से अब दिल किया है कि यार आपके साथ ना एक फोटो बनाई जाए और मैंने सर से स्पेशली कहा है कि हम आपके साथ वीडियो बनाए या फोटो बनवा सकते हैं तो उनका अंदाज जो पहले जैसा था माशाल्लाह इसी तरह उन्होंने इसी लहजे में जवाब दिया कि क्यों नहीं और हम इंशाल्लाह अपनी आवाम से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हर पुलिस वाले को एक नजर से नहीं देखना चाहिए अगर हम अपनी पुलिस से और अपने मुहाफिजों से मोहब्बत करेंगे तो तभी ये भी हमारी मोहब्बत को जान जाएंगे और हमेशा एक जो एक फ्रेम बना हुआ है ना जो आजकल ज्यादातर पाकिस्तान में जो फ्रेम चल रहा है वो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमेशा एक चीज जो होती है ना उसके दो पहलू होते हैं दोनों पहलुओं को देखना चाहिए हमेशा हम जो देखते हैं यार पुलिस वाले ऐसी नजर से नहीं देखना चाहिए उनका इखलाक चेक करना चाहिए उनसे मुतासर होना चाहिए उनसे लहजे में जो बात कर रहे हैं उनको महसूस करना चाहिए हमेशा इनके साथ जो है ना मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो सख्त लहजा अपनाया जाता है ना जैसा हम देखते हैं कि हमारी पुलिस ऐसी या नहीं है बिल्कुल नहीं है हम भी हमने आज देखा है हमने आप खुद अपनी आंखों से अपने दिल से ये महसूस किया है कि आजमा लिया अपने आप देखा है तो हमको पता चल गया कि यार कभी ऐसे नहीं होता जी। सब ये नहीं हम कहते हैं पुलिस वाले ऐसे करते हैं नहीं यार सब एक जैसे नहीं होते खुदा की कसम आज दिल खुश हुआ है और इतना रूह काम किया है कि यार कि इनके साथ फोटो बनाई जाए वीडियो बनाई जाए और सर हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे अल्लाह पाक आपकी तरक्कियां करे और अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और कोई बात करना चाहता हो बंदा जी जनाब सारे भाइयों ने की गुफ्तगू आपने तो सुन ली है पंजाबी च बोल दें जनाब असि सारे भाइयों की गुफ्तगू सुन ली है अज ईमानदारी की गल है असा भी दिलो इंज समझो बब्बा टिडो खुश हो गया क्यों ओदी वजह है बा एक सिविल बंदा प्राइवेट बंदे जनाब जिला हफजाबाद तो अपने सफर च मसरूफ आन ते सानू ना गले ला के सीने नाल ला के ते अप्रीशिएट कीता है असी जनाब दिल दी थाक रही हां जनाब दा शुक्रिया अदा करदे हां वेलकम करने हां खुश आमदीद करने हां तुसा सन नहीं महसूस होया किसी दूजे जिले च जी जनाब तुहाडी मोहब्बत मिली जो सन अपने जिले च मिली है सन महसूस ही नहीं होया कि सन किसे रोकया ठीक है जो कानूनी कार्रवाई है या कानूनी तरीका है ए बेस्ट है क्योंकि साडे जान वास्ते साडे मुहाफज इस वास्ते खलोतन साडी हिफाजत वास्ते खलोतन कि साडी आवाम नु कोई परेशानी ना होवे लिहाजा से सर द्वारा बहुत बहुत शुक्रिया वेरी गुड शुक्र गुजार शुक्र गुजार हाँ कि तुसा साना अपने कीमती टाइम में साने मौका दिता है ते अल्हम्दुलिल्लाह असि आवाम अगे रिक्वेस्ट है कि हमेशा पुलिस नु गलत नजर नाल नहीं वेखना चाहिए वेरी गुड हमेशा दोनों पहलुआं चेक करना चाहिए जो कानून के मुताबिक है जो असूल के मुताबिक है ते माशाल्लाह द्वाडी मोहब्बत है सर वेरी गुड तुसा साथ पानी चाह पूछी बकायदा तुसा पूछा कि तुहानू कोई मसला मसाइल नहीं कोई टेंशन नहीं किसे तंग ते नहीं कीता सर बहुत शुक्रिया वेरी गुड जी वेखो तुहाडे सामने एक ऐसी बार बार गल करदे आं असीं दिलो डिडो क्यों खुश होया क्यों जे पुलिस वाले ने हर बंदा साडी आवाम थोड़ी जी इस तरह दी गोल मेल भी नहीं गई क्यों जे पुलिस वाले नफरत दी नजर ना वेख्या जांदा साड़ी अक्सर वर्दियां उत्ते लिखा जांदा पुलिस इज योर फ्रेंड पुलिस आपकी दोस्त है आपकी दुश्मन नहीं है आपकी जुर्म की दुश्मन है आपकी दुश्मन नहीं है क्यों जो भी हमारी वीडियो देखेगा हम आपके भाई हैं आप में से हैं इसी इलाके में से हैं ना कि वो कोई दूसरी मखलूक में से है ये भी कोई इंसान है किसी के भाई हैं किसी के दोस्त हैं किसी के बहन के भाई हैं किसी बीवी के खावान है किसी माँ के लाडले हैं और हम इस वर्दी में और इस देख लो रात का डेढ़ का टाइम हो चुका है इस वर्दी में रोड सुनसान है लोगों की हिफाजत के लिए हम वर्दियां पहनकर समझे कि हमने कफन पहना हुआ है और जब भी अल्लाह करेगा हम शहीद हो जाएंगे इस तरह का मामला हो जाएगा हमारे साथ तो हम इस वर्दी में दफनाए जाएंगे ये हमें पूरा फख्र है आपका हमारी वर्दी पे ऊपर और हमें ये आवाम सारी जितनी हमें लाड प्यार कर रही है इस पे हम बहुत ज्यादा खुश हैं और भी इस तरह रात को जाग कर हमें ड्यूटी करने का बड़ा मजा आता है लोग जब हमें अप्रिशिएट करेंगे हमें हमसे प्यार करेंगे लोग अक्सर देखते हैं कि जब वीडियो देखते हैं अक्सर बंदे जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है या पुलिस वाला ईदगाह के सामने वो एक राइफल लेके खड़ा होता है लोगों की हिफाजत के लिए कोई बंदा उसको गले नहीं मिलता कोई बंदा उसके साथ सलाम नहीं लेता क्यों नहीं लेते भाई हम आपके साथ आपके भाई हैं आपके मुहाफ़िज हैं हम तो आपके दुश्मन थोड़े ही हैं हम उस जुर्म के दुश्मन है जो आप लोग जो क्रिमिनल लोग करते हैं उस जुर्म के साथ वो इनको उनके हमारा दुश्मन है लेकिन उनके साथ हम आईनी हाथों से निमटने के लिए भी तैयार होते हैं और ये जो हमारे भाई हैं इन्होंने बड़ी अप्रिशिएट में किया है और हमारा दिल आज बाग बाग हो चुका है और मैं बहुत खुशी हुई है
और पूरी 18 साल की जो हम मैंने नौकरी की है और पूरी नौकरी का इन्होंने इस तरह समझे कि मुल डाल दिया है। पंजाबी च ना समझो पंजाबी च ना मुल डाल दिता है, क्यों जो साढ़े पेटी वरा ने साढ़े गुआढ़ी ने अफजाबाद पिंडी बड़ियां तो जनाब तशरीफ लाए हैं, असं दिल की ताक रहे शुक्रिया अदा करते हैं और जिन्हें सारे ने एप्रीशिएट किया असं इन्हें बहुत खुश हो बहुत मशहूर हाँ जनाब बहुत थैंक यू अल्लाह की कृपा। हाँ जी भाई कमर हुजन साहब चौकी है जी नवा कोट नवा लोक इन्हों की मुहब्बत एक नजम है कासम कालवाना साहब की। एक दिन दी गल पानी दी छाले रावी ते कठे में दो पक्कू फदे मंजर रंगीन हाई जोड़ हसीन हाई असल असील हन रज के शकील हन मेरे दिल नु बाणे में गत्ते चदाणे हिक चुंज हिलावे दुआ कोई ना खावे एक दू नु वेखण गल कोई ना दसन ना बोलन ना हसन जिन्नू छोड़ दिता उड के ना जावे जिन्नू कैद कीता ओ पीवे ना खावे मोहब्बत अजीब है कुर्बत अजीब है उल्फत अजीब है अकीदत अजीब है ए तक के तमाशा मैनू आया हासा मैं दिता दिलासा ते दो में उड़ाए चा जामन तू पहले मगर पर हिला के फिजाए च लहरा के मैं तू उच्चा हो के हवाच खलो के आखन परिंदे ओ जालम दरिंदे ओ जाहिल शिकारी जुलम ना कमाए कर ए अजला तू बने हुए ना जोड़े बन जाए कर रखी याद कासम मोहब्बत दे कैदी सजा कोई नहीं होंदे ए कदम च मर्दन जुदा कोई नहीं होंदे एक इन्हां दी मोहब्बत च जी जनाब एक इन्हां दी मोहब्बत च एक दौड़ है जनाब के तुहाडे दिठियां मेरा हाथ जो विंदा इंशाल्लाह जग ते जोंदा वत्ते ते मेरी ढोल दवाई लगदे वे सरदार सदींदा वत्ते ते इंशाल्लाह जग ते ढेर वकार होनी फुल्ला नाल तलींदा वत्ते मैं तो इतने ही काफी है कसम खुदा दी मेरा कमर सदींदा वत्ते क्या बात है जी बस कोई सारे सी अफजाबाद वाले जिहड़े आ ना जिला मंडी बावलदीन हो गया जिला अफजाबाद हो गया असि इको को जाते असि एक वफादारी दी लिस्ट च आने ते दोड़े नाल जड़ा सार मुलाकात हुई ते इस ते दौड़ा के असि ओ बंदे नहीं जेड़े सज्जन बना के मुड़ मुकर जबान तो वंजिए ते सट गति है जदन लुटी मन दी क्यों डर नुकसान तो वंजिए कमर उजन साहब भाईवाल दे वेख के मैले कपड़े किवें भूल पहचान तू वंजिए होवे लगदे आवाज ते नियत मलूटी लगे दर्द जान तो वंजिए पंजाबी कल्चर है ना पंजाबी शेरो शायरी दौड़े शेर है ना ये किसी की तारीफ चो किसी की नजम ना तारीफ होगी किसी की नात भी बन जाती है सारा सिस्टम कोई नजम बन गई कोई नगमा बन गया इस तरह साड़ी पंजाबी कल्चर एक जबान है साड़ी अफजाबाद जिला मंडी बहुत ही सरगोद ऐसे जिले त्रैवे इन्हों तो ज्यादातर जिमीदार बिरा तबके काश्तकारी है सिस्टम साड़ा बिल्कुल कल्चर भी मिलता है आप जी एक दो आन जान मिलन मिला बहुत अच्छा साड़ा ये साढ़े नाल जो दरियाए पंजाब लगता है पंजाब तो जनाब जो मशरा जो जनूब वाली साइड तो जनाब अफजाबाद है जनाब ओदी शमाल वाली साइड तो जनाब जो मंडी बोदीन बिल्कुल इन्होंने आपस कल्चर तो सगोदा नाल साढ़े मगरब वाली साइड बड़े कल्चर रहता जी जनाब अलहमदुल्ला जी गल कर रहे थे बिल्कुल इसे तरह ही है क्योंकि असं आपस मसेर पतरेरी लगने बाकी एक छोटा जहा दौड़ा है बई रुत बलदी पई है हौसला कर हले चेतर चढ़ना है संघ लगने बुली जदन हवा खुशबख्ती दी उता दुश्मन पतंग लगने ए ता तेन में इल्मे रुस्तम झाया डंग परतन लगया डंग लगने और थोड़े जे रंग बाजा ढूंढ के मिलना जदो सन अल्लाह पाक दे रंग लगने। बहुत शुक्रिया जनाब बाकी ये तो यो आंदा है कि ए महफिल लगी ना यारां दोस्तां दी ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲੀ ਖਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਨਹਾਈਆਂ ਦੇ ਬੇਲੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੌਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਲੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬੇਲੀ ਪੈਰਾਂ ਕਾਣ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੰਗਿਆਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬਸ਼ ਰਹਿ ਤਨਹਾ ਵੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਯਾਰ थोड़ी जाए उर्दू दा शेर हो जाए दाडी मोहब्बत है उर्दू जा गई उर्दू साडी कौमी जुबान है ना जी बिल्कुल जी। बात ये है कि बात कुछ भी नहीं जनाब बात ये है पहले शुरू होता है कि बंद मुट्ठी है हाथ कुछ भी नहीं जनाब बात ये है कि बात कुछ भी नहीं जी। तेरे बदले जो कहनात मिले फिर तो ये कहनात कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया जी बहुत मेहरबानी थोड़े सारे भाइयों का स्पेशली तौर पर एप्रीशिएट यू जनाब तुसा टाइम दिता
और सानू मुहब्बत का इजहार किया, अपने दिलो जनाब साढ़े वास्ते बहुत बहुत प्यार मंडिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।